नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तव में यह सत्र मैं कल ही लिया था और यह मुझे दोबारा लेना पड़ा, चूँकि कल वाले में मैंने स्लाइड का यूज़ नहीं किया था, केवल मौखिक क्लास लिया था, तो उससे काफ़ी दिक्कत आती, लगभग 2 घंटे उधर लगे थे। आज पुनः रिपीट करना पड़ा है कि वह ज़्यादा समझ में आए और यह माध्यम ज़्यादा रुचिकर होगा, केवल हम नहीं दिखेंगे और कंटेंट सब दिखेगा। तो आज जब हम ज्योग्राफी में प्रथम अध्याय जो पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास। साधारण रूप से कहें तो ये जो पूरा ज्ञान होता है, जो खगोलीय पिंड हैं जिन्हें ब्रह्मांड कहा जाता है एक साथ, उसी को हम कॉस्मोस भी कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड, जिसे हम कहते हैं कॉस्मोस भी, ये और कुछ नहीं बल्कि ये खगोलीय पिंडों का संग्रह है। यानी कि समग्र रूप से खगोलीय पिंड को, हम जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उन्हीं को हम ब्रह्मांड कहते हैं कलेक्टिवली बॉडी कॉल्ड कॉस्मोस। इस पे हम काफ़ी चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मांड में कि हायरकी कैसे है। जैसे शुरू होता है सैटेलाइट से, तो प्लैनेट, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, इसको देखेंगे, फिर खंडवार देखेंगे। हम प्रयास करेंगे कि जो यूनिवर्स के ओरिजिन की विभिन्न थ्योरीज हैं उसे हम कवर कर सकें। चलो बोला हमने, केवल नाम पता रहना चाहिए, क्योंकि UPSC UPPCS में जो मूल अंतर है, मैं पहले भी कहा हूँ, हमारे काफ़ी साथी जो ना केवल UPSC बल्कि PCS भी चरणबद्ध तरीके से निकाले हैं, लगातार आप देखेंगे कई कई अटेम्प्ट। तो उन्होंने बताया कि अगर हम फैक्ट विशिष्ट को ध्यान दें, तो वह UPSC में सिद्धांतिक पक्ष को ज़्यादा जोर देना होता है, और जब तथ्य को ध्यान देते हैं तो वह PCS के पर्पस से उपयुक्त होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम हायरकी देखें, जो एक क्रम है, तो हायरकी आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है सैटेलाइट, फिर प्लैनेट, फिर सोलर सिस्टम, ये आपको PDF मिलेगा उसमें रहेगा, फिर गैलेक्सी, और इसके बाद आता है यूनिवर्स। एक क्रम याद रखिएगा बस। जाहिर सी बात है, सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे अगर हम माने तो ये पूरा अगर देखें तो ये यूनिवर्स है, अगर तो इसमें कई सारी ऐसे ये गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के अंदर में सोलर सिस्टम है, जैसे अपना सन है तो एक गैलेक्सीज, ये अगर हम इसको हम सन कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होंगे। ऐसे ऐसे यहाँ पर अर्थ होगा, ये नेपच्यून होगा, तो ये पूरा तंत्र है। तो ये हायरकी आप थोड़ा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जो होता है, सामान्यतः अगर हम जानकारी दें तो उसमें 100 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज होती हैं, मोर देन 100 बिलियन गैलेक्सीज। और यूनिवर्स में
गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट, कॉमेट जिसे धूमकेतु कह रहे हैं, क्षुद्र ग्रह, मिटियोराइट्स, उल्का, नेचुरल सैटेलाइट, इस सब यानी कलेक्टिवली जैसे हम पहले बताए सेलेस्टियल बॉडीज को यूनिवर्स कहा जाता है। अब हम आते हैं कि यूनिवर्स की जो अच्छा यूनिवर्स में वास्तव में है क्या। यूनिवर्स में अगर हम देखें तो इसमें मुख्य रूप से डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस। यही मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा जो थोड़ा महत्वपूर्ण है कि उसे आप नोट करेंगे, मैं खुद लिख दे रहा हूँ कि इसका जो संगठन है ब्रह्मांड का या यूनिवर्स का, ये 99% प्लाज्मा है। प्लाज्मा है और डार्क एनर्जी मैटर के संदर्भ में देखें तो ये जो है डार्क मैटर इसका ब्रह्मांड का में लगभग 27% डार्क मैटर है एंड डार्क एनर्जी जो है वो है 68%। 68% इज डार्क एनर्जी। अब बचा कितना, जो तो 5% जो बचा वही हम प्रतिदिन मुखातिब होते हैं, शेष सभी रेस्ट जितना सूर्य चंद्रमा ग्रह सब देख रहे हो टोटल मिला करके केवल 5% है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं ध्यान रखना है वन लाइनर क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड के जो यूनिवर्स की कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज का आप लोग नाम याद रखिए। आप जानते हैं कि पहले कहा गया कि ये पृथ्वी सेंट्रिक है, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चंद्रमा तारे सब चक्कर लगा रहे हैं। फिर एक थ्योरी बाद में आई जो बोली कि नहीं ये हेलियोसेंट्रिक है, मतलब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और अन्य सभी यूनिवर्स चक्कर लगा रहे हैं। फिर बाद में आया बिग बैंग थ्योरी। तो आप नाम लिख लीजिए बस, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो विभिन्न थ्योरीज की हम बात करें तो जो आया एक नाम केवल आप याद रखें, जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक थ्योरी। नाम से आप समझ रहे हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ। तो इसे जिसने दिया उनका नाम था टॉलमी, टॉलेमी। आपको नाम याद रखना है कि टॉलमी से संबंधित है, पीसीएस में यही पूछता है। फिर आया हेलियोसेंट्रिक, तो मतलब हेलोसेंट्रिक हम कह सकते हैं, तो हेलोसेंट्रिक थ्योरी। इसे जिसने दिया था वो कॉपरनिकन, कॉपरनिक। इसकी प्रतिपुष्टि बाद में गैलीलियो ने भी किया, उन्होंने भी कहा कि ये बात सही है, तो गैलीलियो। तीसरी जो महत्वपूर्ण है जिसे अभी हम अच्छे से इसको समझेंगे, बिग बैंग, तो बिग बैंग थ्योरी। इनके जो हम कहे कि थ्योरी जिसने दिया था उनका नाम था जॉर्ज लेमैत्रे, जॉर्ज लेमैत्रे। आप लोग नाम याद रखें और ज़्यादा कुछ नहीं। फिर बाद में ब्रह्मांड अंध सिद्धांत भी आया जिसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल, स्टेडी। नाम आपको मिलेगा वहाँ आप देख लीजिएगा कि वो वह की कॉन्टेक्स्ट मतलब कॉन्स्टेंट डेंसिटी के साथ ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है, यानी यूनिवर्स एक्सपेंडिंग विथ कॉन्स्टेंट डेंसिटी। तो आप उसको देख लेंगे, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, नाम केवल आप ध्यान से याद रखें। फिर एक आता है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, इन्फ्लेशनरी थ्योरी एलन एच गुथ का, ये कुछ नाम है। उसके बाद में एक तथ्य आता है गैलेक्सी जिसे हम कहते हैं आकाश गंगा, गैलेक्सीज या आकाश गंगा। आकाश गंगाएं क्या है, जैसे हम क्रम में बताए कि आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के एक अंग हैं जो इसमें लाखों अरबों सोलर सिस्टम है, यानी अरबों सूर्य हैं। तो हमने आकाश गंगा को भी देख लिया। हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है मिल्की वे, बस हमें कुछ पॉइंट याद रखना है। मिल्की वे अपनी आकाश गंगा का नाम है, मिल्की वे।
हम सबसे जो सबसे नज़दीक हम कहें आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा, नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा। तो हम समझ गए आकाशगंगा को देखने वाले पहले व्यक्ति गैलीलियो गैलीली थे। इसको देखने वाले गैलीलियो गैलीली, इन्फॉर्मेशन आप सबको मिल जाएगी वहाँ, आप देख लेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, ये फैक्ट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। और तो आई इसमें सब नहीं पूछेगा, रूस ब्लैक, दो या दो से अधिक ब्लैक होल का समूह है, तो ये जो पीडीएफ मिलेगा आप उसमें देख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें जैसे हम थोड़ा सा भूल के जैसे चर्चा करना था, बिग बैंग थ्योरी क्या है, एक बार हम नज़र डालते हैं। बिग बैंग कहा कि ये सबसे ज़्यादा हम कहें माना आज तक विश्वास किया जाने वाला एक सिद्धांत है ब्रह्मांड का, कि पहले समस्त ब्रह्मांड एक बिंदु पे केंद्रित था। पूरा ब्रह्मांड एक सेंट्रिक था, यानी कि हम अगर कहें तो उसका आयतन लगभग जीरो था। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कि उसका डेंसिटी लगभग इन्फिनाइट थी। ये विस्फोट हुआ तो सेकंड के समय भाग के अंदर में पूरा ब्रह्मांड का सृजन हुआ। दूसरे शब्दों में कहें हाँ, आधा ब्रह्मांड, सभी ताराएं सब सेकंड में, निमिष में भी निर्मित हुए। तो सोलर सिस्टम का ये सबसे महत्वपूर्ण हम कहें थ्योरी माना जाता है बिग बैंग की। तो इतना आप लोग समझ जाइए कि बिग बैंग की थ्योरी ने कहा एक बड़े ब्लास्ट से सब कुछ का निर्माण हुआ है। आगे हम चलेंगे गैलेक्स के बाद में तारा एवं नक्षत्र। जाहिर सी बात है तारा नक्षत्र में तीसरे नंबर पे स्टार्स। सोलर सिस्टम में आप जानते हैं कि सूर्य रहेगा, उसके ग्रह रहेंगे। तो तारा क्या है, जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, सेल्फ लाइटिंग सेलेस्टियल बॉडी। ये लाइटिंग और ऊर्जा कहाँ से आती है, एनर्जी, इसमें फ्यूजन प्रोसेस होता है, फ्यूजन एंड फिजन, जैसे सूर्य के बीच होता है। ये ऊर्जा का स्रोत है, हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। तो हीलियम का निर्माण होता रहता है। ये है तारा, सूर्य, स्टार है भाई, स्टार्स। अब हम एक सबसे महत्वपूर्ण जो हम कहें सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, तारों का जीवन चक्र, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये आगे का जो लेक्चर होगा लगभग 15-20 मिनट का होगा, इसमें हम पढ़ेंगे, आपको यह पढ़ने मजा आएगी कि कैसे सभी एलिमेंट का निर्माण होता है। जब डस्ट और गैसेस थी तो ये ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा, हम कहें सोना चांदी, इनका निर्माण कैसे होता है, ये सब कैसे दुनिया में आए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कॉस्मिक थ्योरी में। अगर हम कहें इसे हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि ब्लैक होल्स क्या हैं, न्यूट्रॉन तारा क्या हैं। हम पढ़ेंगे कि अगर सूर्य की जब मृत्यु होगी, जब ऊर्जा ख़त्म होगा, तो सूर्य क्या बनेगा, क्या ये ब्लैक होल बनेगा, क्या ये न्यूट्रॉन तारा बनेगा, क्या ये वाइट ड्वार्फ बनेगा, ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। तो ये स्थितियाँ हम पढ़ेंगे, कितना बड़ा तारा होना चाहिए, आखिरकार इन तारों का जन्म कहाँ होता है, उसको क्या कहते हैं, उस गर्भ को क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं, नेबुला क्या है, सुपरनोवा विस्फोट क्या है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आगे होने वाला है, इससे आपके क्वेश्चन मिलें तो ठीक, नहीं मिले तो भी आपको ये जानकारी अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज़रूर अगर वो पूछना चाहेंगे तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए पीएससी में किसी चरण में। तो हम एक कॉस्मिक थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। आप इसे एक अच्छी हेडिंग भी डाल सकते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। यहाँ पर दो बातें हमको ध्यान रखनी है, पहली कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं
तारे दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं एवरेज मास के, एक होते हैं हैवी मैसिव स्टार्स। एवरेज मास में आपका सन आता है, सन सोचो कितना बड़ा है पृथ्वी से, और मैसिव कितने बड़े होते हैं। तो इन दोनों का जीवन चक्र हम अलग अलग पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि एवरेज स्टार कुछ दूसरा बनेगा जब उसका डेथ होगा, और मैसिव स्टार्स कुछ अलग बनेंगे। आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। पहले हम पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ अ स्मॉल स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्मॉल स्टार, हिंदी में छोटे तारे का जीवन चक्र। इसमें कुछ बातें होंगी आपके नोट्स में दूसरी लैंग्वेज में लिखी होंगी, लेकिन मैं इसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। छोटे तारे का जीवन चक्र शुरू करते हैं। एक्चुअली इन जो तारों का जो जन्म होता है, सबसे पहले जैसे मैं कहा कि धूल और गैसेस ही ब्रह्मांड में, जब बिग बैंग विस्फोट हुआ तो वो थे, तो वो जो उनका गर्भ होता है उनको कहते हैं हम नेबुला। आपने सुना होगा नेबुला, यानी तारों का जन्म जहाँ से होता है इसे हम गर्भ कह सकते हैं। इसमें सब क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं केवल धूल गैस, यही सब धूल और गैस में जाहिर सी बात है हल्की, तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस यही है। छोटे तारा का जो जन्म होता है, तो इसका जो साइज होता है नेबुला का, तो हम कहें एक प्रकाश वर्ष से 10 प्रकाश वर्ष तक ये इसका साइज है, एक प्रकाश वर्ष से। अच्छा, एक प्रकाश, प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो आप कहेंगे कि प्रकाश वर्ष कैसे दूरी, ये तो समय का मात्रक दिख रहा है तरीके से। एक्चुअली प्रकाश वर्ष, अब समझो कि कितना बड़ा ये नेबुला होता होगा छोटे तारों का जिनसे जन्म होता है, ये भी कि प्रकाश को जितनी दूरी तय करने में 1 साल लगेगा उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझिए, प्रकाश की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरे शब्दों में कहें तो 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, 3,00,000 किलो पर सेकंड की स्पीड से चलने वाला प्रकाश 1 साल में, आप सोचेंगे आपकी कित करोड़ों सेकंड हो सकते हैं। इस स्पीड, इतना लंबी दूरी होती है, इतना लंबा आकार होता है नेबुला का। तो अब देखिए इसके आगे क्या होगा, इसमें जाहिर सी बात है कि धूल कण हैं, तो मान लिया ये जो ब्लैक कलर के आप दिख रहे हैं ये हैं धूल कण। अब ये प्रेशर से, दबाव से, ग्रेविटेशन से ये कहीं ना कहीं संघनित होने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब इनमें एक तारकीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। कैसी ऊर्जा होगी, जब ये सटेंगे जाहिर सी बात है इनमें फ्यूज़न होगा, संलयन होगा, तो इससे कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस ऊर्जा को हम कहेंगे तारकीय ऊर्जा, और ये गुरुत्वाकर्षण के द्वारा हम कहें तो अंदर जा रहे हैं, आपस में संघनित हो रहे हैं। तार की ऊर्जा कैसे, कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब मिलता है तो निर्माण होता है हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका 1, तो ये 2H4। अब कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, यही ऊर्जा है तारकीय ऊर्जा। वास्तव में यही ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। अब इसको हम अलग से भी लिख लेंगे। आगे चलते हैं, संलयन शुरू हो गया, क्योंकि आपस में हाइड्रोजन के अणु सटने लगे, संलयन की शुरुआत। तो ये संलयन की शुरुआत अब जो निर्मित होगा इसको हम कहेंगे प्रोटो स्टार, यानी कि स्टार बनने की पूर्व की अवस्था प्रोटो स्टार, यानी कि संघनित होकर के कुछ आकार इसका ऐसा बना होगा, इसको हम कहेंगे प्रोटो स्टार। अभी संलयन काफ़ी तीव्र हो जाता है, फ्यूजन तीव्र हो गया, अब इसे हम कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार।
दूसरे पास में तारे की यौवन अवस्था होती है, मतलब इसमें बहुत ऊर्जा होता है इस स्थिति में, मेन सिक्वेंस स्टार। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जो हमारा सूर्य है वह इस समय इसी अवस्था में है, सूर्य की अवस्था यही है। इस स्थिति में लगभग 90% हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है ईंधन के रूप में जल करके, शेष जो हाइड्रोजन रहता है वह तीव्र गति से समाप्त होता है। इसके बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है जब ऊर्जा ख़त्म होने लगी तो तारा फैलने लगता है, तारा स्ट्रेच करने लगता है, तारे में फैलाव होता है। और जब फैलाव होगा तो इस अवस्था को हम कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं हम रेड जायंट। दूसरे शब्दों में इसको हम कहते हैं लाल दानव, इंग्लिश में रेड जायंट स्टेट, रेड जायंट स्टेट, ये फैलने लगता है। एक्चुअली जब ईंधन समाप्त होगा तो तारे में ऊर्जा खत्म होगी तो उसमें फैलाव होने लगेगा, अंदर का भाग भी तेजी से जलने लगेगा। इस स्थिति में जो ईंधन होता है, अब आप ध्यान दें कि इस स्थिति में था हाइड्रोजन ईंधन के रूप में मेन सिक्वेंस स्टार, रेड जायंट की अवस्था में जो ईंधन का काम करेगा वो हीलियम करेगा, हीलियम। और ये रेड जायंट मतलब कि अब तारे में केवल थोड़ा सा प्रकाश रह जाता है, ऊर्जा लगभग ख़त्म होने लगती है। और अब आप एक जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बात बताने वाला हूँ कि अब जो ये तारा ख़त्म होगा, ये तारा ख़त्म होगा तो कैल्शियम तक के तत्वों का निर्माण होगा, जैसे हीलियम प्लस हीलियम मिलके बनाएंगे बेरिलियम, ऐसे फिर आपका कार्बन हीलियम मिलके बनाएंगे ऑक्सीजन, मतलब इस प्रकार से ऑक्सीजन तक के तत्व का ही निर्माण होगा छोटे तारे से। यानी सूर्य जब नष्ट होगा तो ऑक्सीजन तक के तत्व बनेंगे, मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इत 8 तत्वों का निर्माण होगा। यानी कि अब इसमें, अब इस रेड जायंट के बाद हीलियम भी समाप्त हो जाएगा। अब जाहिर सी बात हीलियम समाप्त, तो इस समय कार्बन ऑक्सीजन के कोर पर तारे का पतन होगा। पतन का मतलब तारा ख़त्म हो जाएगा, उसमें ऊर्जा नहीं रह जाएगी, उसके कोर में कार्बन ऑक्सीजन पाए जाएंगे। और दूसरे शब्दों में कहे कि अब इसमें इसी स्थिति में होता है, जब ये पतन होता है तो उसको कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा वास्तव में एक विस्फोट है, ये सब स्थितियों में होता है, तो सुपरनोवा विस्फोट होगा और ये तारा जाके बनेगा वाइट डार्फ, वाइट डार्फ श्वेत वामन, और फिर बाद में ब्लैक डार्फ बन के वो रह जाएगा ब्लैक डार्फ। श्वेत डार्फ क्यों कहते हैं, श्वेत वामन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तारे में ऊर्जा नहीं रहती है, ऊर्जा ख़त्म, केवल प्रकाशित रहता है, जैसे चंद्रमा रात यहाँ से देखने पे प्रकाश की तरह दिखता है, जैसे उसमें प्रकाश है, हालांकि चंद्रमा तो प्रकाश नहीं है, लेकिन चूँकि ये ऊर्जा ख़त्म हुई रहती है तो प्रकाशित सा दिखता है, जैसे आप रेडियम देखते हैं, इन केवल प्रकाशित दिखेगा, थोड़ा उसमें प्रकाश दिखेगा, ऊर्जा कुछ नहीं रहेगी, इसी स्थिति को वाइट डार्फ कहते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि छोटे तारे का जीवन चक्र क्या है, कि पहले आप देखेंगे तो नेबुला, नेबुला धूल गैस, फिर बाद में तारे की ऊर्जा संलयन शुरू हुआ, प्रोटोस्टार बना, प्रोटोस्टार संलयन तीव्र हुआ, मेन सिक्वेंस स्टार बना। सूर्य की अवस्था यही, अगर क्वेश्चन आए कि सूर्य की अवस्था क्या है तो मेन सिक्वेंस स्टार है इसका, जब 90% हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा तो उस स्थिति में लगभग रेड जायंट हो जाएगा, फैलाव आएगा, लाल दिखने लगेगा, वो जिसके पास ऊर्जा नहीं होता वो लाल दिखते ही हैं। अभी हम बताएंगे कि अगर लाल नीला पीला क्या क्या अर्थ होता है रंग से। तो उसके बाद जब हीलियम भी ख़त्म हो जाएगा तो रेड जायंट से सुपरनोवा विस्फोट होगा, जिससे वाइट डार्फ बनेगा। यानी अगर पूछे कि सूर्य क्या बनेगा तो सूर्य एक वाइट डार्फ बनेगा, वाइट डार्फ। जब ये प्रकाश भी ख़त्म हो जाएगा तो उसी को ब्लैक डार्फ कहा जाता है। आगे हम चलते हैं बड़े तारे का जीवन चक्र, ये भी देख लेते हैं बड़े तारे का जीवन चक्र। इसमें सब प्रोटोस्टार तक स्थिति सब सेम रहेगी,
तो जाहिर सी बात है इसमें वही बात, ये भी नेबुला होगा। अंतर क्या होगा? इसकी जो साइज होगी वो होगी 10 प्रकाश वर्ष से बड़ी, 10 प्रकाश वर्ष से बड़ी होगी नेबुला की साइज। अब सब चीज़ें वही सेम होंगी कि जैसे आपने पीछे देखा है, वही सलनायन होगा, प्रोटो स्टार बनेगा, मेन सीक्वेंस स्टार बनेगा, तो सब कुछ सेम रहेगा। मान लिया बन गया मेन सीक्वेंस स्टार। अब इसमें भी वही 90% जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा तो यह जाके बनेगा, इसको कहा जाएगा रेड सुपर जायंट। इसका आकार बड़ा होगा, रेड सुपर जायंट, लाल महादानव। इसका आकार बड़ा होगा, बस जैसे उसमें आप देखे थे कार्बन ऑक्सीजन पे इसका पतन होगा। इसका जो पतन होगा फेरस यानी कि लोहा, इसके कोर में पाया जाएगा लोहा, लोहा पर पतन होगा यानी कि लोहा पे पतन होगा। तो इसमें जो सुपरनोवा विस्फोट होगा इससे निर्माण होगा न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल। अभी मैं बताऊंगा कि ब्लैक होल कब बनेगा, न्यूट्रॉन तारा कब बनेगा। आप ये समझ जाएं कि बड़े तारे के जीवन से सूर्य नहीं बन पाएगा। न्यूट्रॉन तारा कब बनेगा, ब्लैक होल कब बनेगा, इसके लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। इस पे नोबेल मिला था चंद्रशेखर जी को। तो चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा यह निर्धारित करता है कि अगर किसी तारे का मृत्यु होगा, खत्म होगा, तो तारा क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी भी, जैसे ये जो मेन सीक्वेंस स्टार है, ये जो तारा बन रहा है यहाँ पर, अगर इसके कोर का साइज सूर्य के 1.44 गुना सूर्य का मास से कम है तो वो बनेगा वाइट डॉर्फ। दूसरे शब्दों में कि जब जाहिर सी बात है सूर्य का तो मास कम है, ये तो वाइट डॉर्फ श्वेत भवन यानी छोटा तारा है। अगर कोर का द्रव्यमान 1.44 गुणे सन मास से बड़ा एवं 3 गुना सन मास से कम है, इसके बीच में है, तो वो बनेगा न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन स्टार। और अगर उसका मास कोर का 3 गुणे सन के मास से ज़्यादा है तो वही जाके बनेगा ब्लैक होल। अब आप समझ गए होंगे कि कोई ब्लैक होल कब बनेगा। तो चंद्रशेखर सीमा को आप ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे सूर्य ब्लैक होल बनेगा, नो, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, नो, वाइट डॉर्फ जाके बनेगा। सूर्य के जब बनेगा, सूर्य खत्म होगा तो उसके पास एलिमेंट कहाँ तक रहेंगे, वो रहेंगे केवल नाइट्रोजन कार्बन तक। और न्यूट्रॉन तारा और रेड जायंट जो है, इन सब के पास जो रहेंगे वो फेयर स्पिन का पतन होगा, जो न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल बनेंगे ये फेरस तक इसके कोर में रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है चंद्रशेखर सीमा। तो ये चीजें को आप अच्छे से समझ लें। इन बातों को कि कैसे छोटे तारे का जीवन चक्र है, क्या बनेगा, और सूर्य इसी अवस्था में, इतना ही जानकारी रखना है। और ये चंद्रशेखर सीमा, मैं समझ रहा हूं कि अच्छे से आप इन बातों को समझ गए होंगे। कुछ जानकारी आप लिख लें। एक है कि छोटे तारों का जीवन चक्र बड़े तारों से अधिक होता है, अधिक होता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि फेरस तक के तो एलिमेंट जो 117 तक परमाणु क्रमांक तक पाए जा रहे हैं, जिसमें सोना, चांदी, पोलोनियम, रेडियो एक्टिव तक,
उनका निर्माण कैसे होता है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर जो सुपरनोवा विस्फोट हम कहें कि फेरस से बड़े तत्वों का निर्माण होगा, तत्वों का निर्माण यदि दो ब्लैक होल टकराएं, ब्लैक होल की टक्कर हो, या एक ब्लैक होल एंड एक न्यूट्रॉन तारा हो, न्यूट्रॉन तारे की टक्कर हो, तो उस स्थिति में फेरस से ऊपर तत्वों का निर्माण होगा, फेरस से ऊपर तत्वों का निर्माण होगा। आप समझ गए होंगे। अब हम समझ लेते हैं कि ये वाइट बामन क्या है, जैसे वाइट डॉर्फ क्या है, थोड़ा सा एक जानकारी आप लिख लीजिए एक्स्ट्रा जानने के लिए। वाइट डॉर्फ जाहिर सी बात है, वाइट डॉर्फ ये मृत अवशेष हैं, हम कहें डेड रेजिड हैं, रेजिड तारों के अवशेष हैं, मृत अवशेष हैं। इनमें प्रकाश होता है किंतु ईंधन नहीं, लाइट होती है फ्यूल नहीं होता है। एक चीज़ देखिए, जब CO कोर पे इनका पतन होता है, कार्बन ऑक्सीजन पर पतन होता है, तो जैसे ये है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन, ये जो कोर है इसका, इसके जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है चक्कर लगाते हैं, कोई भी अगर ये कार्बन का आइटम होगा तो ये इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके बाहर इसमें जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, इस इलेक्ट्रॉन है सब है। इस स्थिति में क्या होता है वाइट डॉर्फ में, कि ये सभी पहली कक्षा में आ जाते हैं। इस अवस्था को कहने कि जब सारे इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में आ जाएं, ये वाइट डॉर्फ के केस में होता है, सारे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इसी स्थिति को कहा जाता है क्वांटम फिजिक्स में डिजेनरेट गैस, डिजेनरेट गैस। आप इसे केवल याद कर लें कि टर्म इससे संबंधित है, वाइट डॉर्फ से संबंधित है, डिजेनरेट स्टेट, यानी जब सभी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है डिजेनरेट स्टेट। न्यूट्रॉन तारे की स्थिति में क्या होगा, न्यूट्रॉन तारा में, अब इसको न्यूट्रॉन तारा क्यों कहा जाता है, जाहिर सी बात है जिसमें केवल न्यूट्रॉन हो, तो इसका जो ये नाभिक होगा, इसके होता है न्यूट्रॉन होता है जो जीरो आवेश होता है, और प्रोटॉन होता है, और नाभिक के चारों तरफ भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें सोचो कि कितना ज़्यादा इसमें दबाव पड़ता है प्रेशर से, तो हम कहें दबाव से सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक में चले जाते हैं, नाभिक में चले जाते हैं। अब सोच रहे हैं कि कितना भारी प्रेशर होगा कि सब इलेक्ट्रॉन ही नाभिक में चले गए, इस स्थिति में क्या होगा कि नाभिक में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन जाके रिएक्ट कर दिए, तो केवल न्यूट्रॉन बचता है, इसी को कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। अब आप समझ लीजिए कि कितना हाई प्रेशर देना होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी खत्म हो जाते हैं, केवल न्यूट्रॉन बचता है। इसके अगर एक घनत्व की हम बात करें तो अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग एक चम्मच करोड़ों टन में हो सकता है, इतना भारी। अब आप समझिए ब्लैक होल की स्थिति क्या होगी, वो तो और भी ज़्यादा दबाव वाला होता है। अब सोचिए जब इतना कोई प्रेशर रहेगा तो कितनी तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा कोई पदार्थ, अगर इसके बगल के क्षेत्र से कुछ गुजर रहा होगा तो उनको तुरंत ही अपनी तरफ खींच लेगा। इसीलिए जब इसके मैग्नेटिक एरिया में न्यूट्रॉन तारे के चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई पार्टिकल आता है, यानी का कोई बॉडी या पार्टिकल आता है, तो यह तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है, तो वो
उसी में खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और इसी को कहते हैं हम पल्सर, जो आज हम आप गाड़ी देखते हैं पल्सर कि हाई स्पीड पकड़ाओ 5 सेकंड में 120 की, तो उसी को पल्सर कहा जाता है। बहुत तेज़ी से उसमें हम कहें कि मिल जाता है थोड़ा सा। और अब आगे हम देख लेते हैं जो बचा उसको ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दें तो जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप इसी का अध्ययन करने गया है कि ब्लैक होल का बिग बैंग के बाद जितना भी निर्माण हुआ है सेलेस्टियल बॉडीज का, उसका अध्ययन करना इसका लक्ष्य है। यानी कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स के सृजन का वो अध्ययन करेगा जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है। ब्लैक होल आप समझ ही रहे हैं कि ब्लैक होल एक बिंदु पे कह सकते हैं हम संकेंद्रित होता है, कि पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पे संकेंद्रित होगा, मतलब कि अगर हम कहें कि सब कुछ इसी पे सेंटर्ड होगा। इस स्थिति में आयतन, जैसे मैं पहले बताया, आयतन लगभग जीरो, तो घनत्व तो क्या होगा, लगभग अनंत। और इस स्थिति में कोई भी चीज़ अगर लगभग जीरो तो 1D में दिखाई देगी, इसीलिए इसको कहा जाता है सिंगुलैरिटी, इसी से संबंधित है सिंगुलैरिटी। दूसरे शब्दों में कहें कि वन डायमेंशनल हो जाता है। वन डायमेंशन से मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को इसी हम जो देख रहे हैं एक लाइन की तरह जो दिख रहा है उसको 1D कहते हैं, अगर उसमें हम चौड़ाई की भी बात करेंगे तो उसे 2D कहते हैं, उसे हम कागज़ पर खींच सकते हैं, और अगर उसमें गहराई भी है तो उसे हम 3D कहते हैं। तो ब्लैक होल में लगभग 1D की हम बात करते हैं। इसमें अगर कोई पिंड चला जाता है तो फिर बाहर नहीं निकल पाता। अब सोचो वो जो 1D चीज़ है, अगर हमको आपको खींचेगा अपनी तरफ तो हमको हमें और आपको पॉइंट में परिवर्तित कर देगा, टुकड़ों में तोड़ देगा। उस स्थिति को कहा जाता है स्फैगिटिफाइड कहा जाता है, कि अगर कोई पिंड ब्लैक होल में प्रवेश करता है, तो वह स्फैगिटिफाइड हो जाता, मतलब कि टूट जाता है, बिखर जाता है। केवल एक टर्म इससे संबंधित है, यही ध्यान रखने की बात है, स्फैगिटिफाइड हो जाता है, मतलब टूट कर बिखर कर उसमें समाप्त हो जाता है। तो आप समझ, एक स्टेटमेंट आप जान ही रहे हैं भाई, गैलेक्सी है तो उसमें ब्लैक होल रहेगा, उसी की तरफ हम कहें कि सोलर सिस्टम घूम रहे हैं, तो इब्री गैलेक्सी हैज एटलीस्ट 1 ब्लैक होल, ये 1-liner है, एटलीस्ट 1 ब्लैक होल, एवरी गैलेक्सी हैज एटलीस्ट 1 ब्लैक होल। आप समझ गए होंगे कि जो गैलेक्सी में लगभग एक ब्लैक होल होंगे, कई सारे हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगा कि ये आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि व्हाट इज चंद्रशेखर लिमिट, वाइट डार्फ, ब्लैक डार्फ, न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल्स के बारे में आप जान गए हैं। आगे हम चलते हैं कि जैसे आप कहते हैं हमारे तारामंडल, तो स्टार कॉन्स्टेलेशन, तो तारामंडल और कुछ नहीं है, तारों का एक समूह है जो आकाश में एक विशेष आकृति बनाए, इज अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म्स ए पर्टिकुलर शेप इन द स्काई। अगर हम कहें तो तारामंडल, स्टार कॉन्स्टेलेशन ऑफिशियली जो हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा जो हैं 88 तारामंडल हैं। उत्तरी गोलार्ध से जो जिसे देखा जा सकता है उसको कहते हैं हम उर्सा मेजर,
उर्सा मेजर। उर्सा। और फिर आप सन है, सन के बारे में आप पढ़ ही लेंगे कि सन में अगर हम देखें सन स्टार है भाई इसके पास, तो इसमें लगभग 70% हाइड्रोजन है। अब 90% हाइड्रोजन जलने के बाद हो जाएगा रेड जायंट की स्थिति में, तो 70% हाइड्रोजन है, 27 हीलियम है, हीलियम जो ख़त्म हो जाएगा तब वो बन जाएगा, फिर मर जाएगा, वाइट डार्क बन जाएगा, और 2% अदर गैस है। तो कंपोजिशन थोड़ा याद रखिएगा, अदर गैस है। हमारे सोलर सिस्टम का 99.9% जो हम कहे पूरा द्रव्य है, मैटर है, तो सन है जिम्मेदार है उसके लिए, हमारे सोलर सिस्टम का। तो आवर सोलर सिस्टम का 99.9% सन है। टेम्परेचर में से आप देख लेंगे कि उसका सरफेस टेम्परेचर अराउंड तापमान जो है सतह का वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सब साधारण बातें हैं, आपको नोट्स में मिलेंगी, वो सब आप देख लीजिएगा। हम जो प्रमुख तौर से बात करेंगे वो अधिकांश था कॉन्सेप्ट को लेकर के, सभी ग्रह के बारे में। अब एक महत्वपूर्ण जो अभी हमको समझना है बात, वो है प्लैनेट। तो आप अभी देख ही लेंगे प्लैनेट्स, हम देखेंगे एस्टेरॉयड, हम देखेंगे कॉमेट्स जो हम कहें महत्वपूर्ण हैं, सैटेलाइट तो हम देख लेंगे किसके सबसे ज़्यादा हैं, और हम देख लेंगे मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स हिंदी में कहें तो यह है ग्रह, ये है क्षुद्र ग्रह, ये है धूमकेतु, ये है उल्का, और ये है उपग्रह। एक एक कर से देख लेते हैं। अब ध्यान से आप समझिए कि ग्रह, जैसे प्लेटो, प्लेटो जो था पहले तारा था, ओ सॉरी, प्लेटो पहले था ग्रह, अब यह ग्रह नहीं है, अब फिर यह हो गया है क्षुद्र ग्रह। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी प्लेटो में नहीं रही कि वह क्षुद्र ग्रह बन गया? तो हम कहें तो ग्रह की जो डिफिनेशन है ग्रह या प्लैनेट, तो तीन चीज होना चाहिए। नंबर एक, रिवॉल्व अराउंड सन, रिवॉल्व्स अराउंड सन, सूर्य का परिक्रमण करे। नंबर दो, एज लार्ज एज क्लियर इट्स ऑर्बिट, मतलब ये इतना बड़ा हो कि अपनी कक्षा को साफ किए रहे, कि उसमें छोटे मोटे पिंड ये सब उसके रास्ते में अवरोधक ना बने, अपने तरफ उनको खींच ले। कहने का मतलब है इतना उसमें गुरुत्वाकर्षण हो, और प्लेटो यही नहीं फुलफिल कर पाया, प्लेटो नहीं फुलफिल कर पाया ये वाली कंडीशन। ये पृथ्वी के अगर गुरुत्वीय क्षेत्र में कुछ चीज़ रहता है पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है। और तीसरा जो है कि वो इतना बड़ा हो, ये भी वैसे है, एज लार्ज एज टू मेक इट्सेल्फ इन स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप, गोलीय गोलाकार रूप धारण कर सके। जैसे पृथ्वी आप देखेंगे तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सभी स्फेरिकल हैं, तो गोलीय रूप धारण कर सके। तो ये हो गया आपके ग्रहों के बारे में। तो प्लूटो ये कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाया था। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज एस्टेराइड। इसलिए उसको हम बौना ग्रह कहते हैं प्लूटो को, सॉरी प्लूटो को हम कहते हैं बौना ग्रह। और ये तरीके से क्षुद्र ग्रह भी एक छोटा ग्रह है, लेकिन उसका ज़्यादा आकार छोटा होता है। तो ये जो प्लूटो है, सॉरी, वो कंडीशन जब नहीं फुलफिल कर पाया, इसीलिए उसको हम कहते हैं डॉर्फ प्लैनेट या बौना ग्रह, छोटा ग्रह कह सकते हैं। तो हमारे
सौरमंडल में चार बौने ग्रह हैं, चार चार डॉर्फ प्लैनेट हैं। कौन कौन यार, नाम लिख देते हैं। एक तो हो गया मेकमेक, मेकमेक आप याद कर लीजिए, मेकमेक। एक है होमिया, नोट्स में आपको मिल जाएगा। एक है सेरस, एरिस, तो सेरस एरिस एंड प्लूटो। अब आते हैं हम, एक पॉइंट और आप लिख लीजिए नोट में करके, नोट। जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, वैसे ही हम कहें तो सूर्य का चक्कर ग्रह, एस्टेराइड एंड कॉमेट भी लगाते हैं। तो सूर्य का चक्कर, एक तो ग्रह, दूसरे शुद्ध ग्रह जिन्हें एस्टेराइड कहते हैं, और कॉमेट, कॉमेट्स लगाते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब सूर्य की चक्कर लगाते हैं। अभी कहाँ पाए जाते हैं इसको अभी हम देखते हैं। आते हैं हम एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड वो भी बने हैं आपके डस्ट गैस से निर्मित होकर के बने हैं, शुद्ध ग्रह, छोटे ग्रह हैं। वास्तव में ये ना तो वास्तविक ग्रह है ना ही कॉमेट है, उसके बीच की स्थिति है। चारों तरफ ये कहाँ घूमते हैं, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। मंगल, सेरेस, वेस्टा, पैलेस, हाइजिया, ये चार हैं आपके क्षुद्र ग्रह। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। और ये बेल्ट कहाँ है, ये है मार्स एंड जुपिटर के बीच। अब इसी समय आप एक सीधा एक बात और पढ़ समझ लीजिए। ये हो गया आपका सूर्य, सन। ये आपकी हो गई अर्थ, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो है यही है एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह यहाँ पाए जाते हैं। इसके दोनों के बारे में भी फिर बता देंगे क्या है ये दोनों। तो ये हो गया आपका क्षुद्र ग्रह, पट्टी हिंदी में बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट। आपको यही याद रखना है वो है कहाँ। तो जैसे हो गया ये मरकरी, इनका नाम लिख लीजिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो यह एस्टेराइड बेल्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, तो मार्स और जुपिटर के बीच में है। मार्स और जुपिटर के बीच में हो गया आपका ये। एक जो होता है नेपच्यून के बाद में, इसको कहते हैं हम कुइपर बेल्ट, कुइपर बेल्ट। आप इसको भी ध्यान रखें, कुइपर बेल्ट कहाँ पाई जाती है, नेपच्यून के परे, अंतिम जो हमारा ग्रह है उसके बाद में जो बेल्ट पाई जाती है उसको कुइपर बेल्ट कहते हैं। और एक इसके भी बाद होता है जिसे हम कहते हैं ओर्ट क्लाउड, ओर्ट क्लाउड। एक क्रम याद रखिएगा कि सूर्य से पहले एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर कुइपर बेल्ट, फिर ओर्ट क्लाउड पाए जाते हैं। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन एक बार पीएससी ने पूछा था कि व्हाट इज गोल्डी लॉक्स जोन। गोल्डी लॉक्स जोन, गोल्डी लॉक्स जोन है कि बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे बाह्य
बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा जहाँ परिस्थिति हो, पृथ्वी जैसी वायुमंडलीय स्थिति हो, अगर कहीं सुलभ है तो उसी को हम गोल्डी लॉक्स जोन बोलते हैं। मेरे ख्याल से हो गया होगा, एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया। एक और आप जानकारी लिख लें कि व्हाट इज हेलियोस्फीयर, जैसे सूर्य है सन, तो इसका जो सौर पवनों का क्षेत्र होगा, इसे सौर पवनों का जो क्षेत्र होगा, इसमें आपके ग्रह आएंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति सन और बुध अंतिम जैसे है, तो इसी यानी सौर पवनों का जो क्षेत्र है, सौर पवनों का क्षेत्र, इसी को हम कहते हैं हेलियोस्फीयर। और ये जो बाउंड्री होगी इसी को कहते हैं हाइड्रोवाल, हम हाइड्रोजन वाल, हाइड्रोजन गैस से सूर्य बना, आप जाने। तो ये थोड़ी जानकारी कि एच वाल क्या है और हेलियोस्फीयर क्या है, आप इस चीज़ को जान लें। फिर अगर और जानकारी कुछ तो हाँ, एक एस्टेरॉयड के मीटियोराइड के बारे में आप पढ़ लें जिसे हम कहते हैं उल्का। तो इसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखना है कि मीटियोराइड्स, मीटियोर और मीटियोराइड्स, ये राइट्स है, ये राइड्स है, ये मिट्योर है, ये हैं पृथ्वी के वायुमंडल से परे, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर, तो उनको मिट्योराइड बोलते हैं, राइड बाहर, ये वायुमंडल में प्रवेश, इसीलिए जलने लगते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, घर्षण से जलने लगते हैं, घर्षण से, तो इसको हम उल्का कहते हैं। आइए सतह तक पहुंच जाते हैं, इसको हम कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं, उल्कास, उल्कापात, उल्का पिंड, इसी से हम कहें को ये महाराष्ट्र की लोनावाला झील, लोनार झील इसी से बनी है, लोनार झील इसी से बनी है। एक और जानकारी लिख लीजिए कि ये जो मीटियोराइट्स हैं ये आंतरिक संरचना, आंतरिक संगठन हम कह सकते हैं, संगठन की जानकारी देते हैं पृथ्वी के। ये आगे आप पढ़ेंगे जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे, तो मीटियोराइट्स, मीटियोर, मीटियोराइट्स। एक और बचता है जिसे हम देख लेते हैं जल्दी से, कॉमेट, कॉमेट जिसे हम कहते हैं धूमकेतु। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो आपका मीटियोराइड है ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, और ये जो होते हैं सूर्य के निकट आने पर चमकने लगते हैं, सूर्य के निकट आने पर दिखाई देते हैं। अच्छा क्यों? अब सूर्य इतना जब गर्म है तो यानी जलने लगते हैं। अब कैसे? अब इसका ये है, मान लिया ये है उल्का, अब सूर्य के निकट है सन है, अभी जलने लगा तो ये भी जल रहा है। अब इसकी ये नाभि में जो होता है वो होता है गैस प्लस डस्ट, वही जलवाष्प हम कह सकते हैं, या डस्ट यही सब होता है। तो ये जब जलने लगेगा तो इसी को हम कह देते हैं पुच्छल तारा, पूंछ की तरह बना लेता है, तो यही है पुच्छल तारा। यानी कि कॉमेट सूर्य के नज़दीक जाते हैं और एस्टेराइड्स जो होते हैं, ये मीटियोराइड्स उल्का होते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। एक कुछ जानकारी आप लीजिए क्षुद्र ग्रहों के बारे में, अगर मिलाने को आ गया क्षुद्र ग्रह अध्ययन, अभी बेनु से तो ये नासा का जो है ओरसिस रेक्स मिशन जो है, ये वेनु एस्टेराइड से अध्ययन कर रहा है, और जाक्सा जापान की जो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, तो जाक्सा का हायाभूसा 2 ये रईगू का अध्ययन कर रहा है, तो ये रईगू का अध्ययन कर रहा है, ये आप लिखेंगे,
उल्का उल्का पिंड हो गया, धूम केतु हो गया। कुछ जानकारी जो है आप वो देख लेना, कि हम जैसे बता दिए कि कॉमेट जो चक्कर लगाते हैं सूर्य का, वो ग्रहों के साथ साथ कॉमेट्स भी, क्षुद्रग्रह भी, ग्रह भी, ये सब चक्कर लगाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये हमने बता दिया आपको। अब जो जानकारी ग्रहों के बारे में खास करके है, उसे आप देख लीजिएगा। देखने का मेरे कहने का सेंस है, जैसे भाई ये हम पहले आपको बताया, जैसे सन है तो यहाँ पर होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे जो होगा यूरेनस नेपच्यून। तो आपको बस इनको देख लीजिएगा एक बार। अभी तो दूरी के क्रम में समझ गए, दूरी के क्रम में आप देख लीजिएगा, ऐसे ही आकार के क्रम में ये जानकारी आपको मिल जाएगी। इनका आकार कैसा है, व्यास हम कह सकते हैं, रेडियस। फिर देख लीजिएगा ऐसे ही घनत्व के क्रम में। अब कैसे इनको कहा जाता है, चारों को आंतरिक, इनको कहते हैं हम बाह्य, ऐसे कहते हैं। तो इसके घनत्व के क्रम में देख लीजिएगा, घूर्णन अवधि देख लीजिएगा, जैसे पृथ्वी का है 24 घंटे घूर्णन अवधि, ऐसे सूर्य की तरफ जो चक्कर लगाते हैं यानी कक्षीय अवधि, ये देख लीजिएगा। दिन की लंबाई भी देख सकते हैं। तो ये इससे का क्वेश्चन बन जाएगा अगर मिला आएगा सेट करने को, दिन की लंबाई, तो ये जानकारी आपको मिलेगी उसमें, तो आप देख लीजिएगा। एक और जानकारी, सैटेलाइट क्या होता है, यानी जो ग्रह का जो चक्कर लगाते हैं, यानी हु रिवॉल्व्स अराउंड प्लानेट, तो इसको कहते हैं रिवॉल्व्स अराउंड प्लानेट। तो हम इसमें एक जानकारी लिख दे रहे हैं कि जैसे है बुध, तो ग्रह और उपग्रह की संख्या, ये प्राकृतिक की हम बात कर रहे हैं, बुध के हैं 0, ऐसे ही शुक्र, इसके भी 0, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो लिख दें, अर्थ के हैं चंद्रमा, आप जानते ही हो, 1, मंगल के हैं 2, फोबोस एंड डेमोस, जुपिटर के हैं 95, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा, शनि के 146, यूरेनस के हैं 27 और नेपच्यून के हैं 14, अगर मिलाने को आ जाए तो। प्रमुख प्रमुख जो हैं आप उसको देख लीजिएगा। ग्रहों के बारे में दो, सबसे बड़ा ग्रह दूसरा है जैसे है शनि, सबसे बड़ा है बृहस्पति, तो साइज में जैसे मैं कहा उसे आप देख लीजिएगा। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, तो ये जानकारी इसमें दी गई है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग लगभग निपटा दिए चीज़ों को, जो अगर इसमें समझ में नहीं आएगा आप बताइएगा, फीडबैक आप लोग का इंतज़ार रहेगा, इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है और समझने में कहाँ क्या दिक्कत है। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति थी, आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर और आएंगे जिसे हम देखेंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो एक दो क्वेश्चन बनेंगे मिलाने को, यही सब बनेंगे, दूरी के आधार पे जो ब्रह्मांड उत्पत्ति थ्योरी है, इन्हीं सब पे बनेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।